गुरुवार की रात एक विमान राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटनाग्रस्त में दो पायलट शहीद हो गए। दर्शकों आपको जानकारी दे दें कि इन दो पायलट में से एक जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से ताल्लुक रखते थे, आरएसपुरा के रहने वाले थे, जो इस दुर्घटना में शहीद हो गए। दर्शकों आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के बाड़मेर के पास गुरुवार रात भारतीय वायुसेना का दो सीटों वाला लड़ाकू विमान मिग 21 एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। विमान बाड़मेर के बायुतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान के क्रैश होने पर जिले के भीमड़ा गांव में जहां उसका मलबा गिरा वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। वायुसेना ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी से इस हादसे के बारे में जानकारी हासिल की है। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को इस हादसे के बारे में पूरी डिटेल साझा की है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट कर दोनों पायलट के शहीद होने पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुर्घटना में दो वायु योद्धाओं की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। देश के प्रति उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मिग 21 के क्रैश होने के बाद जो है ये फिर से सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। ये विमान 1960 के दशक में लिया गया था और 62 सालों में 200 के करीब जो हैं दुर्घटनाएं पेश हो चुकी हैं। और कल की दुर्घटना जो है रात को करीब 9 बजे के आसपास जो है घटित हुई है, जिसमें हमने दो पायलट को खो दिया है। उनमें से एक पायलट जो है वो जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के गाँव का रहने वाला है। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।